पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 से 6 बजे के बीच में एक लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, एक कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर चढ़ा, विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को। शिव का स्मरण करो, पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण करेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, श्रावण मास की अंतिम पूर्णिमा आ गई है, इस दिन रक्षाबंधन का दिन भी मनाया जाता है, तो इस पूर्णिमा पर आप क्या उपाय कर सकते हैं ये वीडियो में बताया गया है। यदि आपको उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला उपाय आपने सुन ही लिया होगा, पहला उपाय कामना पूर्ति के लिए है। आपकी कैसी भी कामना हो, कोई भी समस्या हो, तो आप पूर्णिमा के दिन यह उपाय कर सकते हैं, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल मतलब शाम के समय 4:30 से 6 बजे के बीच एक लोटा जल लेना है, उसमें 5 बेलपत्र डाल लें, साथ में एक कमलगट्टा डालकर शिवलिंग के पास चले जाएं और चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ा दें, साथ में वह बेलपत्र और कमलगट्टा भी चढ़ा दें और अपनी कामना कर लें, आपकी मनोकामना महादेव जरूर पूरी करेंगे। अब चलते हैं दूसरे उपाय की ओर। आपको एक चावल, एक बेलपत्र और एक लोटा जल लेना है। पहले आपको शिवलिंग पर एक चावल चढ़ाना है, चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर अपनी कामना करके एक बेलपत्र चावल के ऊपर चढ़ाएं और बेलपत्र इस प्रकार चढ़ाएं कि उसकी डंडी का मुख अपनी तरफ हो और चंद्रमौली भगवान का नाम लेकर अपनी कामना करना है। अपनी कामना करने के बाद फिर एक लोटा जल उस चावल और बेलपत्र के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। महादेव आप पर कृपा करेंगे, आपकी सारी कामनाएं पूरी। अगर डॉक्टर आपसे बोल रहा है कि आपके घुटने बदलना है, डॉक्टर आपको बोल रहा है कि आपका बाईपास करवाना पड़ेगा, नस चौक है, नाड़ी चौक है, हमारा निवेदन है शिव पुराण का एक लोट पकड़ कर देते, या तो बेलपत्र खाओ रात 12 बजे, या फिर बछड़ा कर दूध पिए, उसका फेन जो निकले उसको चम्मच में लेकर घुटने में 5 दिन तक 7 दिन तक मल कर। और जिस व्यक्ति की नस चौक हो गई, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करवाना पड़ेगा, उसके लिए एक ही निवेदन है, पूर्णिमा की पूर्णिमा चम्मच में फेन लेकर उस फेन को पानी में मिलाकर 3 बार दिन भर में 3 बार बस पी ले, उससे नसें अपने आप खुल जाती है, बाईपास नहीं होगी। हम आशा करते हैं आपको उपाय समझ आ गए होंगे। यदि उपाय में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।